दोस्तों हम सभी फ्लाइट से ज्यादा ट्रेन में अक्सर सफर करते हैं। ट्रेन में हजारों लोग सफर करते हैं और सारे पैसेंजर्स की जिंदगी ट्रेन के पायलट यानी ड्राइवर के हाथों में होती है और इस दौरान हमारे मन में ट्रेन से संबंधित कई सवाल भी उठते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या हो अगर इस चलती ट्रेन का ड्राइवर सो जाए या किसी कारण वो ड्राइवर बेहोश हो जाए या फिर उसे कोई अटैक आ जाए तो क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि अगर चलती ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वैसे आपका सोचना भी सही है, लेकिन दोस्तों घबराइए मत, क्योंकि एक ऐसी टेक्निक भी है जो हमें हमेशा रेल के सफर में सुरक्षित रखते हैं। आपको बता दें कि रेलवे ने इसका भी उपाय खोज रखा है। तो चलिए जानते हैं कि अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए भी लाभदायक साबित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों ट्रेनें बहुत ही महंगी पब्लिक मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल होती हैं, इसलिए इनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहें। ट्रेन में तीन तरह के ऑटोमेटिक सिस्टम काम करते हैं और इन्हें समझने के लिए हमारे देश में चलने वाली ट्रेनों की जानकारी होनी चाहिए। और आपको बता दें हमारे भारत में दो प्रकार की ट्रेनें चलती हैं, लंबी दूरी तक जाने वाली मेन लाइन ट्रेनें और कम दूरी तक जाने वाली लोकल ट्रेनें। आपको बता दें कि ट्रेन में ड्राइवर के अलावा असिस्टेंट ड्राइवर भी होता है। अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाता है या किसी वजह से बेहोश हो जाता है तो असिस्टेंट ड्राइवर उसे जगाएगा, और अगर वो नहीं जागता है तो ट्रेन को अगले स्टेशन पर लाकर रोक देगा और इसके बारे में स्टेशन मास्टर को बताएगा और फिर स्टेशन मास्टर किसी दूसरे ड्राइवर का इंतजाम करेगा। दोस्तों अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों ही सो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो आपको बता दें कि इस स्थिति से निपटने के लिए ट्रेन के इंजन में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगी होती है। आपको बता दें कि ये डिवाइस इस बात का ध्यान रखती है कि अगर ट्रेन में एक मिनट के अंदर स्पीड बढ़ाने के लिए ट्रेबल को नहीं बढ़ाया और नहीं स्पीड घटाने के लिए ट्रेबल को कम किया और नहीं ब्रेक लगाया और हॉर्न भी नहीं बजाया तो 17 सेकंड के अंदर एक ऑडियो विजुअल इंडिक्शन आता है और तब ट्रेन ड्राइवर को उसे एक बटन दबाकर स्वीकार करना होता है, ये बताना होता है, और अगर वो वैसा नहीं करते हैं तो अगले 17 सेकंड के अंदर ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा और 1 किलोमीटर के अंदर ट्रेन रुक जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रेन में लगी इस डिवाइस को डेड मैन हैंड भी कहते हैं। तो इस तरह इंडियन रेलवे किसी बड़े हादसे को इंडिविजुअली भी होने से रोकती है। अब दोस्तों आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर ट्रेन ड्राइवर सो जाता है तो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों भारतीय रेल के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देते हैं आपको, जो आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। आपको बता दें 16 अप्रैल 1953 को भारतीय रेलवे मुंबई से ठाणे की तरफ चली थी और इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे दुनिया के दूसरे स्थान पर है। और दोस्तों आपको बता दें कि इकोनॉमिक मैगजीन के अनुसार भारतीय रेलवे में सबसे अधिक कर्मचारी हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। शायद आपको नहीं मालूम होगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। और आपको बता दें रेलवे में टॉयलेट बनाने में 50 साल लग गए थे। इस बात के लिए ओखे चंद्र सेन को पूरा श्रेय जाता है, जिन्होंने भारतीय रेलवे को गुस्से में एक पत्र लिखा था। उसके बाद भारतीय रेलवे में टॉयलेट बनाया गया। और आपको बता दें एक पैसेंजर ट्रेन में 4 आपातकालीन निकास द्वार होते हैं। दोस्तों क्या आपको मालूम है नूपुर रेलवे स्टेशन 2 राज्य में पड़ता है, पहला महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। और आपको बता दें भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन में 14 डिब्बे थे और इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफर किया था। क्या आपको पता है भारत के पहले पैसेंजर ट्रेन में 3 इंजन थे, जिसका नाम था सिंध, मुल्तान और शहीद। और दोस्तों आपको बता दें भारत में करीब 7000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेलवे हर रोज करीब 14,300 ट्रेनों को चलाती है, जिसमें 3 करोड़ यात्री सफर करते हैं और 13 लाख सामान को ले आने जाने का काम करती है। तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको फ्लाइट में सफर करने में ज्यादा मजा आता है या रेल में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।